आज आप लोग को सीखना है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में समेशन ऑफ सीरीज का डिग्री लेवल ट्रिगोनोमेट्री का जो टॉपिक है उसको आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। इस टॉपिक में हमको कोसाइन के सम ऑफ के बारे में समझना है और वह कोसाइन के निकलेगा तो वह कौन सी में होना चाहिए, एंगल उसका एपी में होना चाहिए। जो पिछले क्लास में आप लोग को हम साइन के बारे में समझाए थे और आज इस क्लास में हम आप लोग को कोसाइन के बारे में समझाएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। करें टू फाइंड द सम ऑफ कोसाइन ऑफ एन एंगल विच आर इन एपी, यानी इसको जो कोसाइन है उसके सम को हमको प्राप्त करना है जो एंगल है इन एपी में होना चाहिए। तो हम मान लिए हैं लेट सीरीज एस बराबर कॉस अल्फा जोड़ कॉस अल्फा प्लस बीटा जोड़ कॉस अल्फा प्लस टू बीटा डॉट 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 कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, और ये जितना एंगल जो है ये सभी एंगल एपी में ही होंगे। तो हम लोग जानते हैं 2 cos a इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन इंटू ए माइनस बी। अब क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं a के जगह पर एक बार अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा इसी तरह से इतना तक यूज करेंगे और b के जगह पर हम बीटा बाई टू यूज करेंगे और इसका हम सीरीज बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू, यहाँ पर रखिए साइन अल्फा और यहाँ पर रखिए बीटा बाई टू घटाओ साइन अल्फा और यहाँ पर रखिए बीटा बाई टू। अब दूसरा है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा और बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू। एक बार और रख लीजिए टू कॉस अल्फा प्लस टू बीटा साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा जोड़ बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा माइनस बीटा बाई टू। अब ये इसी तरह से चलता रहेगा एन तक ले, तो ये हो जाएगा टू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू, ये हो जाएगा साइन अल्फा जोड़ एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाई टू। इस तरह का आपका एक सीरीज प्राप्त होगा। अब इस सीरीज में देखिएगा इसको और इससे ये कट जाएंगे, इसको बटा बटा जोड़ कीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये भी कट जाएंगे, तो इसी तरह से ये कटते कटते लास्ट में ये भी कट जाएंगे। अब इसको ऐड कीजिएगा, एडिंग सीरीज, तो इसमें आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए टू साइन बीटा बाई टू कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर टू कॉमन लीजिएगा तो देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इस तरह के एक सीरीज बनेगा जिसको हम लोग एस माने हैं, तो यहाँ पर आप एस लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका ये है माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू और यहाँ पर आपका ये बचा हुआ है साइन अल्फा एन माइनस वन बीटा और बीटा बाई टू। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा बढ़िया से, इसको सीधा कर लेते हैं साइन
अब इसको एक बार अल्फा जोड़ एन माइनस वन बीटा जोड़ बीटा बाई टू, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपका बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, जो त्रिकोणमिति में आप पढ़े हुईगा। अब इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देते हैं, तो टू कॉस सी प्लस डी, तो मान लिया कि यहाँ पूरा सी है, तो अल्फा जोड़ एन माइनस वन बीटा और बीटा बाई टू जोड़ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इस सभी के बाटा में टू इंटू साइन सी माइनस डी। तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा एन माइनस वन बीटा जोड़ बीटा बाई टू घटाओ अल्फा और प्लस बीटा बाई टू, आई पूरा के बटा में आप टू लिख दीजिए। तो यहाँ आप समझिए, यहाँ से ये और ये कट जाएंगे, और यहाँ से जो ये माइनस है ये और ये कट जाएंगे, तब यहाँ पर बचेगा टू कॉस। अब यहाँ पर बच रहा है आपका अल्फा जोड़, यहाँ भी आपका अल्फा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा यानी बीटा एन माइनस वन, इसका बटा में टू है तो टू लिख दीजिए, यहाँ पर साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन हो रहा है तो आपका बच रहा है एक, और एक कोई जोड़िएगा तो दू गो हो जाएगा, तो दू से दू कट जाएगा, तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा एन माइनस वन बीटा जोड़ बीटा बाई टू हो जाएगा, यानी इसको कीजिएगा हाफ हाफ है जोड़िएगा तो ये गो हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए कैसे करना है, इसमें से जो ऑलरेडी आ रहा है टू साइन बीटा बाई टू इंटू एस, अब ये टू से टू काट दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एस गुने साइन बीटा बाई टू हो जाएगा। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, कॉस अल्फा एन माइनस वन बीटा बाई टू हो गया, यहाँ पर हो गया साइन, अब इसको बटा बगे जोड़ घटाव कीजिएगा, तो इसमें आप गुना कीजिएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ एन बीटा बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पर एस गुने साइन बीटा बाई टू, हमको एस निकालना था इसलिए एस बराबर, आप इसको ऐसे लिख दें कॉस अल्फा जोड़ एन माइनस वन बीटा बाई टू गुना साइन एन बीटा बाई टू बट्टा, ये आ जाएगा साइन बीटा बाई टू। तो जो ये प्राप्त हुआ यही हमारा फाइंड ऑफ सम निकल गया। किसका फाइंड ऑफ सम निकल गया? आपका कोसाइन का फाइंड ऑफ सम निकल गया। ये आपका जो कोसाइन वाला था ये भी क्लियर हो गया, पिछले क्लास में आपको साइन वाला भी क्लियर करा दिए हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो कोसाइन और साइन से संबंधित जो प्रॉब्लम होंगे उसको बनाया जाएगा।